जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम अपना शरीर बनाते हैं, अपना शरीर बनाते बनाते हम दूसरे पांच शरीर, मतलब हमारा भी शरीर और दूसरे पांच शरीर की हम रचना करते हैं। और इसी शरीर बनाने के कारण माता पिता के जो स्पर्म्स, जो जिनमें से हमारा खुद का जन्म हुआ है, उसमें से जो हमें डीएनए मिलता है, जो हमें उनकी शरीर की कुछ आइडियोलॉजी हमें मिल जाती, और उन्हीं के उस डीएनए से ही हमारा शरीर के अंदर हमारे सभी ऑर्गन और हमारे अंग उपांग ऑर्गन, आपको पता होगा फेस फीचर्स, कलर, रंग, आपको बहुत सी चीज मिली हुई मिलेगी। जैसे मेरे छवि में मेरी उम्र जाते जाते मेरी माँ की आदतें, मेरी माँ का चेहरा, मेरे माँ या पिता दो में से किसी एक का हम हमारे भीतर में महसूस करते हैं, या फिर किसी के अंदर उनकी पीढ़ी का असर हमें दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि कुछ जो स्पेशल पार्टिकल्स जो हमारे ही शरीर से जब हमारा बच्चा ले लेता है डीएनए के रूप में, तब हमारी आदतें, हमारा जो भी प्लस माइनस सब उसको मिल जाता है। पॉजिटिव भी मिलता है, माइनस भी मिलता है। पॉजिटिव और माइनस में हम अगर ये देखने जाएं तो सिर्फ शरीर के मामले में ही उसे मिलेगा। इस चीज को खास नोट करना है, आज हम इस चीज को ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे कि अगर मेरी शरीर की बनावट से ही अगर मेरे बच्चे हो रहे हैं तो मेरे शरीर में से लिए हुए शारीरिक पोर्शन ही वो कैप्चर करते हैं। मानसिक या मेंटल या उनकी सोच वो हमारी सोच जैसी कभी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। यही कारण है कि प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के घर हुआ, यही कारण है। यही कारण है कि ऐसे कई जो लोग हैं जो खुद इतने पुण्यशाली होते हैं, खुद इतने प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके संस्कार उनकी खुद की आइडियोलॉजी से बहुत विपरीत होते हैं। इस चीज को हम आज समझेंगे, इस चीज को हम डिटेल से समझेंगे। हिरण्यकश्यप राक्षस थे, दानवराज थे, सबका सबको मारना, सबका संहार करना, सबको अपनी इस रीति से आगे तकलीफ देना उसकी आदत थी। प्रवीण भाई रिकॉर्डिंग कर जो, प्रवीण भाई जो हिरण्यकश्यप की हम जो कहानी जानते हैं, होलिका दहन आपको पता है, मेरे ख्याल से तो सबको पता होगा, फिर भी थोड़ी आउट रेखा में दे देती हूँ कि हिरण्यकश्यप एक दानव थे और उनके घर प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद का मतलब ही पता है आपको, नरसिंह अवतार है, प्रहलाद एक अवतार है, जो हमारे जो 10 अवतार गिने जाते ना उनमें से एक नरसिंह अवतार उस वक्त प्रकट हुए थे प्रहलाद को बचाने के लिए ही। प्रहलाद एक भक्त थे नरसिंह जी के, नरसिंह मतलब विष्णु भगवान के भक्त थे, और उनको बचाने के लिए नरसिंह अवतार प्रकट हुआ था। तो हम सिर्फ अभी वहां तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक राक्षस के यहाँ भगवान के भक्त का जन्म। एक तरह से हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है, माँ बाप के इतने ज्यादा संस्कार, इतने ज्यादा धार्मिक संस्कार, इतने वो पवित्र आत्मा, माता और पिता दोनों। ऐसा भी है, हिरण्यकश्यप तो दानव थे लेकिन कृष्ण के मामा क्या नाना नानी जो कंस के माता पिता थे वो तो बहुत ही धार्मिक थे। देवकी के माता पिता बहुत ही धार्मिक थे, लेकिन उनके यहाँ फिर भी कंस का जन्म हुआ था। जब ऐसी चीज होती है तब हमें ये जानना चाहिए कि ऐसा क्या है कि कंस के डीएनए में उसके माता पिता का डीएनए स्वभाव के रूप में नहीं आया।
लास्ट टाइम आप में से ही किसी ने प्रश्न किया था कि प्राण और प्रकृति मरने के साथ ही जाती, ये प्रश्न हुआ था। आज इसी का ही आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने कोशिश नहीं की ना अपना स्वभाव बदलने की, अपनी प्रकृति बदलने की, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। तो मेरा स्वभाव, मेरे जो संस्कार पड़े हैं उसी के ऊपर मेरे स्वभाव चलेंगे। फिर मैंने मेरे माँ बाप के शरीर से डीएनए लिया है, उनके संस्कार का डीएनए मुझे नहीं मिला है। ये जो डीएनए ट्रांसफर होता है ना उसमें सिर्फ शरीर के अंगों के, आपके अंग उपांग या आपके फेस फीचर्स या आपकी बोली या आपकी स्टाइल, ये सब आता है डीएनए में। आपके एक ब्लड से दूसरे शरीर का ब्लड बदलता है, संस्कार या आपके जो आत्मा के पड़ी हुई संज्ञाएं हैं वो नहीं। इस चीज को खास नोट करना है। माँ बाप ये आपको कहाँ पे फर्क पड़ेगा पता है? माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरे घर चार बच्चे हैं तो चारों बच्चों में से एक बच्चा ज्यादा पावरफुल है और दूसरा बच्चा पावरफुल नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। हम ये सोचकर बैठ जाते, हम अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ साथ कंपेयर करने लगते कि ये मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, बहुत दयावान है, लेकिन ये दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? बच्चे तो एक ही माँ बाप के हैं, पर ऐसा क्यों? कंस और देवकी में फर्क क्यों? यही चीज हमें जाननी है कि कंस और देवकी में फर्क एक ही जगह पे नहीं होगा, वो है उनके शरीर की बनावट। क्योंकि वो शरीर की बनावट वो माँ बाप के डीएनए से लेकर आए। आज अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगा, आपको हड्डी का प्रॉब्लम होगा, कैंसर जैसे बोलते हैं ब्लड कैंसर या ऐसा, तो मेरी हड्डी या मेरी किडनी के कोई प्रॉब्लम है तो मेरे भाई बहन की हड्डी का मावा या उनकी किडनी या उनसे मेरे ब्लड सैंपल्स 100% मैच होंगे। उनसे मैं किडनी डोनेट ले सकती हूँ, उनसे मैं मेरा डीएनए, अरे किडनी डोनेट के बाद जो अपने हड्डी का मावा होता है ना ब्लड कैंसर में, बोन मैरो में डोनेट ले सकती हूँ, मैं ये सब चीज डोनेट ले सकती हूँ। लेकिन उनके संस्कार, उनके सोचने का तरीका या मेरे सोचने का तरीका, वो मैं ना डोनेट कर सकती हूँ ना मैं डोनेट ले सकती हूँ। इस चीज पे इसीलिए भार देना है क्योंकि हम जो माँ के गर्भ में आके छह शरीर बनाते हैं ना, वो छह शरीर ही मेरी माँ के शरीर में से मैं ले रही हूँ। लेकिन जो सातवां शरीर जो मैं खुद मेरे साथ लेकर आई हूँ वो है मेरे कर्मों का शरीर, वो मेरे संस्कार का शरीर, वो मेरी सोच का शरीर। उसके अंदर मेरी सोच है, मेरे संस्कार हैं, मेरा स्वभाव है। मेरा गुस्सेल स्वभाव होगा तो उसमें क्रोध, अब अहंकार, फिर कपट, उसके बाद लोभ, उसके बाद नींद, उसके बाद जागना, डरना, भय संगना, आहार संगना, मैथुन संगना, ये सारी चीज मैं मेरा ही लेकर आई हूँ, मेरे संस्कार लेकर आई हूँ जो इतने जन्मों तक एक कर्म के रूप में मेरे ऊपर लगे हुए। अब अगर मेरे साथ इतने कर्म के या उतने लेयर अगर मैंने लगाए हुए हैं और वो लगे हुए हैं, तो आप ये इतना सोच लीजिए कि इस चीज को मैं क्या कभी निकाल पाऊंगी, या मेरे माँ के डीएनए आ जाने से या मेरे माता पिता के संस्कार, अरे उनके डीएनए उनके खून से मेरा शरीर बन जाने से, क्या मेरा ये जन्मजात स्वभाव जो मैं खुद लेकर बैठी हूँ, जो मेरे आत्मा के ऊपर कार्मण शरीर के रूप में लगे हुए है, इसको तो मैं मेरे माँ के खून, मेरे माता पिता का डीएनए भी नहीं मिटा सकता, ना उनके डीएनए से उनके स्वभाव, उनके संस्कार, उनके सोचने का तरीका, उनकी धार्मिक वृत्ति प्रवृत्ति मेरे अंदर आ सकती। हमारे लिए क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए यहीं पे सोचना पड़ेगा। हम यहीं पे ही बार बार एक बात को सोचेंगे कि कितनी भी कोशिश करो आप अपना स्वभाव आप खुद ही बदल सकते हो, कोई नहीं बदल सकता उसे। आपके संस्कार भी जो पड़े हुए ना करोड़ों साल लग जाएंगे, हमें भी करोड़ों साल लगे हैं,
अब तक तो हम भटक ही रहे, पता नहीं कितने सालों से भटक रहे और कितने सालों तक और भी भटकेंगे यदि हमने हमारे अंदर का जो स्वभाव प्रभाव प्रकृति तीनों, स्वभाव भी हमारा प्रभाव भी प्रभाव भी और प्रकृति, ये तीनों अगर हमने नहीं बदली ना तो इनमें से हमें बाहर नहीं आना है। यही फिर जन्म फिर मरो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कोई नहीं बचा सकता है हमें इन सब से, कोई नहीं बचा सकता है। तो बचना होगा हमें खुद को बचना होगा। ये माँ के गर्भवास में ठीक है बच्चा अपना शरीर बना लेता है, उसको जीने के लिए सामान वहीं से मिलता है, लेकिन वो काल कोठरी है, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, अपनी आंखें तक वो नहीं खोलता। 2 महीना तो वो वही अंधेरे में घूम भी नहीं सकता। आपको पता है 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक तो बच्चा सिर्फ हाथ और पैर हिला सकता है। उसका अगर उसका सिर ऊपर पेट की तरफ माँ के पेट की तरफ है तो वो ऊपर ही रहेगा, नीचे होगा भी नहीं। 2 उल्टे बच्चे जन्म लेते हैं ना माँ के गर्भ से, जिनका पैर पहले आता है, ज्यादातर तो आज डॉक्टर सीजरियन ही करते हैं क्योंकि उसमें माँ की जान को जोखिम हो जाता है। तो जितने भी बच्चे ऐसे उल्टे होते हैं जो पैर से पैदा होते हैं या जिनका सीजरियन किया जाता है, ऐसी अवस्था में आप समझ लेना पिछले 2 महीने से वो बच्चा इसी पोजीशन में था, वो अपने आप को नहीं चेंज कर पाया, तभी उसका माथा नीचे नहीं आया है। ये अवस्था आप बता नहीं सकते हो। पता है आपको हमारी सबसे ज्यादा हमारी कमनसीबी क्या होती है मालूम है आपको? मनुष्य के मतलब एक आत्मा की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि ना वो जन्म के वक्त की बातें बाहर आके आपको बता सकता है कि 8-9 महीने मैंने कैसे गुजारे, मेरे कैसे गए, मेरी क्या हालत हुई है, मुझे क्या क्या अंदर तकलीफ हुई है, मैं कहां से आया, कुछ नहीं बता सकता है वो। और जब तक उसके 6 महीने तक उसको याद रहता है, ऐसा कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं, सब कहते हैं, भगवान ने भी कहा है कि 6 महीने तक तो बच्चा अपनी सारी गतिविधि को, क्योंकि वही तो वो सोच के रोता है। 6 महीने का बच्चा कभी भी रोएगा, कभी भी नींद में भी हंसेगा, नींद में भी रोएगा, उसको सारी चीजें याद आती है पर वो बता नहीं सकता क्योंकि उसको वाचा मिली नहीं। और 6 महीने तक ही याद रहता है, उसके बाद उसको याद भी नहीं रहता। अलौकिक शक्ति होती है 6 महीने तक बच्चे के अंदर, और यही अलौकिक शक्ति ही है जो 9 मास तक वो गर्भ में रहकर मुंह से कुछ नहीं खाता है पीता है कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे समय में आपको पता है उल्टा लटकना पड़ता है। चामा चिड़िया कैसे लटकता है पेड़ के ऊपर? आपका माथा नीचे होता है, पूरा शरीर ऊपर होता है, आप उल्टे लटकते हो गर्भ में। तो कोई अलौकिक शक्ति ही होगी जो आपको ऐसी शक्ति देती होगी वो छोटे से बच्चे को। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी कम नसीबी ये है कि मरने के बाद मरने के वक्त भी क्या तकलीफ हुई, आपने क्या महसूस किया, आपके प्राण शरीर से कैसे निकले, इस चीज को आप नहीं बता सकते हो, किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि मरने के बाद जब जन्म लोगे और जब जन्म आपको लेना पड़ेगा।